guys, we are in Shenzhen right now. गाइस अवाम चेक करें, अवाम यहाँ की वाइब थोड़ी डिफरेंट है, चलती फिरती वाइब है। सामने देखें जी बिल्डिंग, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला तो हमने कहा चाइना में भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का मजा ले लेते हैं। ये है बिरयानी, ये है कढ़ाई। सो दिस इज आवर न्यू रूम फॉर टुडे। वर्कर्स नहीं है गाइस, रोबोट्स काम कर रहे हैं इन्होंने। Assalamualaikum everyone, how are you? Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great, मज़े में होंगे। आज है हमारा मतलब फर्स्ट डे ही समझ लें शेंजन में। हम लोग रात को यहाँ पे लैंड किए, अर्जेंट बेसिस पे एक होटल रूम बुक कराया था जो कि था ये, और अब हम इसे छोड़ के जा रहे हैं। हेलो विल्दान, अम्ब्रेला हम अपने ओह यस मेरे जूते, और क्या रहता है। सो गाइज अभी बस हम लोग निकलते हैं यहाँ से और हम लोग दूसरे होटल में चेक इन करवाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग घूमने शूमने के लिए निकलते हैं। यस हेलो, हम लोग अब निकल आए हैं होटल से, चेकआउट करा दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे होटल। और यहाँ पे वेदर 21 डिग्री है, मुझे लग रहा है ठंड मेरे पीछे पीछे भाग रही है। यहाँ पे हल्की हल्की ठंड है लेकिन गर्मी नहीं कह सकते, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पे। यहाँ पे देखें कितना प्लेजेंट सा वेदर हो रहा है, ये मेन रोड है यहाँ का। मैंने तो खैर टी शर्ट पहन ली है लेकिन मैंने साथ में कोट भी उठा लिया। देखिए शायद दोपहर तक धूप निकला है, दोपहर क्या दोपहर हो गई है, एक बज गया यार। यहाँ पे तीन चार दिन है हमारा, सारी साइकिल्स लगी हुई है, साइकिलिंग भी करेंगे। हम जो से कहती हुई आ रही हूँ पर साइकिलिंग करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे ये शायद ट्रेन स्टेशन है, ये ट्रेन स्टेशन। विल्दान गाइस, तो हम आ चुके हैं अभी दूसरे होटल में चेक इन करने के लिए। हम लोग का आधा ट्रिप तो ऐसे ही गुजर गया, कभी सामान उठा के बंद करते, सामान उठा के दूसरे होटल से तीसरे होटल, तीसरे होटल से चौथे होटल। बट आई थिंक यही ट्रैवलिंग का मजा है। डिफरेंट लोकेशन एक्सपीरियंस करेंगे हम, सामान वगैरह रख के और फिर बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है आसपास की। आई थिंक ट्रैवलिंग यही है, मतलब आप डिफरेंट जगहों को एक्सपीरियंस करो, डिफरेंट होटल्स को भी एक्सपीरियंस करो, डिफरेंट रूम्स वगैरह देखना, तो ये मुझे एक्चुअली मज़ा आता है। यहाँ पे वर्कर्स नहीं है गाइस, रोबोट्स काम कर रहे हैं इन्होंने। किसी का ऑर्डर था, खाने का ऑर्डर था, अब उसमें रखा है और उसमें रूम का एड्रेस डाला है। अब ये रोबोट जाएगा और लिफ्ट में जाएगा और ऊपर पहुंचा कर आएगा जिसका भी ऑर्डर है। लिफ्ट खुली है, ये रोबोट साहब अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई वर्कर नहीं है, यहाँ पे सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं। बस अब ये जाएगा अपना खाना शाना जिसका भी है वो पहुंचा के वापस आ जाएगा। गाइस की हमें मिल चुकी है, अब चलते हैं ऊपर। ओके गाइस, सो दिस इज आवर न्यू रूम फॉर टुडे। ओ वाओ, लुक एट द व्यू गाइस, व्यू चेक करें गाइस, कितना बहुत खूबसूरत व्यू है। डू यू लाइक दिस होम मामा? डू यू लाइक दिस होम इंदा? यस। प्यारा व्यू आ रहा है विंडो से। हमारा बेसिक सा एक वॉशरूम। निकलते हैं बाहर यार, मुझे तो ठंड लग रही थी, मैंने तो कोट पहन लिया। आई वांट मोर चॉकलेट। यू वांट मोर चॉकलेट? चॉकलेट इज फिनिश्ड। सो ये है जी हमारे रूम का व्यू, बस चलते हैं अब बाहर को, लेट्स गो। ये कबर्ड वगैरह भी दी गई है। वांट मोर चॉकलेट इन हियर गाइस। पिछले वाले रूम का गलती से एसी का रिमोट हमारे पास आ गया, अब हम उसे भी वापस करवाने के लिए चलेंगे। ग्रीनरी बहुत है इस सिटी में, ये देखिए हर जगह आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आएगी।
कुछ जाने वाले लोग हैं, तो उन्होंने हम लोगों को सजेस्ट किया है कि हम लोग फूतियान जाएं। यहाँ पे अच्छी जगह है, वहाँ पे स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं और उसके अलावा पाकिस्तानी और टर्किश रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो हम वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। यस, ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स। थैंक यू। Done one water. It's here. Oh, is that it? Now happy? This is a science museum. Science museum. Oh, this is हम पहुंच गए हैं साइंस म्यूजियम। तो हम लोग स्टेशन से बाहर निकल आए हैं और वो सामने देखें जी बिल्डिंग, बदलों में छुपी हुई है बिल्डिंग। ओके, सो यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, वो आपको दिखाते हैं बाद में। यार भूख बहुत लग रही है, पहले कुछ खाना शाना खाते हैं। यहाँ सुना है कि अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा क्राउडेड सिटी है। इट्स अ बिग सिटी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, गाड़ियाँ बहुत हैं, लोग बहुत हैं, सब चलते फिरते, मतलब बहुत ज़्यादा। देखिए शवरमा की शॉप भी मिल गई हमें, यार इतने लोग हैं। तो गाइस हम यहाँ आ गए हैं दीवाने खास पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ ढांड के आ गए हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। मुझे तो खाली लग रहा है, अंदर कोई भी नहीं लग रहा। ओके गाइस, सो इनका मेन्यू चेक करते हैं। मटन स्पाइसी बोटी, चिकन सीख कबाब, मिक्स ग्रिल। मेरा आई थिंक बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं, है ना। ऑर्डर दे दिया है चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और नान। तो काफ़ी दिनों बाद हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला, तो हमने कहा चाइना में भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का मज़ा ले लेते हैं। इतने दिनों बाद किसी से उर्दू में बात करके हमने यहाँ पे उर्दू में ऑर्डर दिया है। चाइना में बैठ के हम लोग पाकिस्तानी खाने को इंजॉय करेंगे। लेट चेंज कर दूँ जी? लेट चेंज कर दूँ? गंदा हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके गाइस, तो हमारा सालन तो आ गया है, चिकन कढ़ाई आ चुकी है, नान आ चुका है, सैलड आ चुका है। बिरयानी में अभी टाइम है? आ जाएगी। अच्छा ओके गाइस, तो खाना हमारा आ गया है। ये है बिरयानी, ये है कढ़ाई, सैलड, रायता, नान, और अब हम टूट पड़ते हैं। गरम बिरयानी तो बहुत गर्मा गर्म लग गया। मैंने क्या सोचा था वहां की जैसे नहीं ढाबे की कढ़ाई होती है। खाना शाना खाते हैं फिर आपसे। डू यू लाइक द फूड? आई कांट रिमेंबर द पिकल्स। गाइस खाना हमने खा लिया और जाते जाते मुझे ये मिल गया। यहाँ पे ये मोबाइल मार्केट है। शेंज़ेन जो है वो बिजनेस सिटी माना जाता है, तो यहाँ पे लोग बिजनेस के लिए आते हैं। यहाँ की सदर मार्केट है, सदर की मोबाइल मार्केट है ये। तो मैंने कहा मैं अपना फोन का प्रोटेक्टर ही चलवा लूँ यहाँ आए तो। ये लगवा। थैंक यू। सो गाइज हमने यहाँ से अपनी थोड़ी सी फोन की शॉपिंग कर ली है, मैंने फोन का कवर भी चेंज कर लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। छोटी चीज लेके बंदा कर ही लेता है। फोन की एक्सेसरीज की होलसेल मार्केट है, बहुत अच्छे और सस्ते प्राइस पे चीजें मिल रही हैं। मैंने यहाँ से अपना फोन कवर भी बाय कर लिया है, अपना ट्राईपॉड भी लिया है, एक और दो तीन और भी चीजें ली हैं फोन की, चार्जर वगैरह बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हो चुकी है रात और रात में आप व्यू चेक करें। तो
गाइस हांगजो की वाइब बिल्कुल डिफरेंट थी, शेंजन की वाइब बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ट्रैफिक बहुत है और बहुत एक चलता फिरता सिटी है, बिजनेस सिटी है तो इसलिए लोग भी ज्यादा हैं। ये देखिए गाइस अवाम चेक करें, अवाम Is it a Turkish? Turkish tea? Xinjiang tea. Okay. So ये Xinjiang की tea मिल रही है। Tea नहीं है, soup है I guess. Xinjiang के लोग जो होते हैं वो हमारे जैसे दिखते हैं ना। Pakistan. Yes, we are from Pakistan. इनका culture वगैरह ये सब थोड़ा Turkish से भी। कितना प्यारा लग रहा है ये देखें, ये पूरा वॉक वे जो है इन्होंने फूलों से सजाया हुआ है। किया है और करवाया भी आप लोगों को, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। मेरा तुम्हें कैसा लगा? nice. मतलब थोड़ी लाइवली सा कराची से थोड़ी वाइब आ रही है। हांगजो जो था, जो हम लोग पिछला सिटी विजिट करके आए थे, वो उसकी एक डिफरेंट वाइब थी, एक सोफेस्टिकेटेड सी और एक ब्यूटीफुल सी वाइब थी। ये थोड़ी वो भी था बिग सिटी, लेकिन यहाँ की वाइब थोड़ी डिफरेंट है, चलती फिरती वाइब है, रौनक वाली वाइब है। ये भी बहुत बड़ा मॉल आ गया सामने, बीचेस भी हैं यहाँ पे, बेसिकली एक बिजनेस सिटी भी है, बिग सिटी भी है, बिजनेस सिटी भी है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पाकिस्तानी लोग देखे, फॉरनर्स देखे बहुत सारे। मैं स्टार्टिंग में तो मुझे ठंड लग रही थी, पर अब नहीं लग रही है मुझे, अब मुझे मजा आ रहा है। हाँ अभी पास में हम मॉल में आ गए हैं सर, मॉल तो वैसे ही है जैसे मॉल होते हैं, पर ये थोड़ा सा लग रही है। ये देखें सारे ट्रेडिशनल चाइनीज आउटफिट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। मेहरान यहाँ है, मेहरान यहाँ है। डन रिलैक्सिंग, हम कहाँ जा रहे हैं मेहरान? देखते हैं अगर हिम्मत है तो मैं तो थक गई हूँ वैसे, मेरी टांगों में अब दर्द होना स्टार्ट हो गया, वो बहुत चले बहुत। मिल्दान लुक, आई फाउंड यू, इट्स यू। उसकी तरह कर रहा है। ओके कहीं बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ ऑर्डर करें यहाँ से, कोई ड्रिंक ऑर्डर करें। नहीं भाई कुल्लू हराम है, कलेर यार, एक तो यहाँ पे ऑर्डर करना मुश्किल हो जाता है, बहुत कुछ समझ नहीं आता। लेने आए हैं फ्रेश जूस, कौन सा ऑर्डर करें? आई वांट
दिस इज शुगर केन ऑरेंज पाइन एप्पल यू वांट शुगर केन ओके टेक शुगर तो वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब बंद होने लगा है 10:30 बज गए हैं और अब हम लोग की मेट्रो भी निकल जाएगी सो हम लोग बस चलते हैं वापस हमारा स्टेशन कितनी दूर है मेरा अब गाइस आइए दूसरी ट्रेन अब हमें इसमें आना है खचाखच भरी हुई है ये तो जगह भी नहीं मिलने वाली अच्छे खासे इज्जत से बैठे हुए थे हॉल भरी हुई है मुल्तान को देखो अपनी जगह ढूंढ के बैठ के ये देखेंगे गाइस सब फोन में लगे हुए ये हम मोस्टली लोग सब फोन में आपको देखेंगे हाय मैं तो ब्लॉग कर रही हूँ देखें सीट मेरे पास वाली खाली है पर इसको बैठना होगा ये यार मैं तेरी बैठूंगा बैठो उधर मामा पास बैठो ये देखें इसको उधर ही बैठना है मेरे पास नहीं बैठना ये भी मेरा कसूर है बारिश हो रही है तो ये भी मेरा कसूर है मैं बाइक पे चले सो गाइस बारिश हो रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बाइक राइड लें और बाइक पे बैठ के अपने होटल तक पहुंचे बैठना है मेरा ओके लेट्स गो मैं बिल्कुल पीछे बैठूंगी नो नो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की और ज्यादा मजा आ रहा तो खैर हम लोग पहुंच चुके हैं होटल वापस और बहुत अच्छा हैपनिंग दिन रहा आज का ये वाली केसिंग ली है इसमें थोड़ा सा नियॉन सा भी टच आता है अच्छी सी केसिंग है और आपको बताऊं मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर चढ़वाया था वो अब टूट चुका है पता नहीं कैसे मुझे नहीं पता मेरा फोन भी नहीं गिरा फिर भी मेरा प्रोटेक्टर टूट गया आई होप आप लोगों ने आज का दिन हमारी तरह बहुत एंजॉय किया अपना व्लॉग मैं यही एंड करूंगी आप सुनूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कल की हमारी देखते हैं अभी बैठ के प्लान करते हैं कि कल हम क्या करेंगे बिल्दान तो पता नहीं क्या है उस इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे सो खैर आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल यट अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो यू गाइस कैन नेवर मिस अ वीडियो एंड ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय बाय अल्लाह हाफिज